लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर के बरारी गंगा घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शुक्रवार को नहाय खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। गंगा स्नान के बाद छठ व्रतियों ने मां गंगा और भगवान भास्कर की पूजा की और गंगा जल भरकर पूजा के लिए घर ले गए, जिसका उपयोग चार दिवसीय छठ महापर्व के दौरान पूजन कार्य और पकवान बनाने में किया जाता है। वहीं गंगा घाटों पर भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचे और मां गंगा की आराधना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी पूजा पर्व में पवित्रता को लेकर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है और इसी को लेकर गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ गंगा घाटों पर जुटी रही। बता दें कि आमतौर पर छठ पूजा में गंगा घाटों पर ही अर्घ देने की परंपरा रही है, लेकिन बदलते समय में जरूरतों और अव्यवस्थाओं के कारण काफी संख्या में लोग घरों या आसपास में कृत्रिम तालाब का निर्माण कर छठ पर्व करते हैं। हालांकि इसके बावजूद गंगा स्नान और गंगा तट पर छठ पर्व का नजारा कुछ अलग सा दिखाई देता है। स्नान करने आए हैं क्या? छठ पर्व है, छठ पर्व तो बहुत बड़ा महत्व है छठ पर्व का। और क्या, यही नहाने आए हैं। स्नान आज से पूजा शुरू हो जाएगा हम लोग का, और पूजा करेंगे 20 तारीख से, मतलब निस्तार होगा। आज से शुरू हुआ पूजा। पूरी करती है? जी जरूर करेगी, दिल से मांगेगा तो पूजा करे, जरूर मांगे। हम 2003 से कर रहे हैं छठ पर्व, अभी तक कर रहे हैं। आस्था है छठ में? बहुत आस्था है, कहाँ नहीं आस्था रहेगा। हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। आज गंगा स्नान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज खरना है, कद्दू भात है, और ये छठ पर्व की बहुत ही महत्व होता है ना। तो लोग जो भी खाए पिए रहते हैं, आज गंगा स्नान करके हम लोग पवित्र होते हैं, और उसके बाद आज घर में खरना पूजा होगा, कद्दू भात होगा, और इसीलिए गंगा स्नान करना बहुत जरूरी होता है। चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाय के साथ होती है, जिसको लेकर शुक्रवार को पहले दिन गंगा स्नान कर छठ व्रतियों ने नियम निष्ठा के साथ कद्दू और अरवा भात पकाया और उसे ग्रहण किया। बता दें कि छठ महापर्व में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और इसी को लेकर कद्दू भात जैसे सात्विक भोजन से इस चार दिवसीय महापर्व की शुरुआत होती है। वहीं परंपरा और पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ व्रतियों ने भोजन तैयार कर अपने साथ घर के सभी सदस्यों और आने जाने वालों को भी कद्दू भात का प्रसाद वितरण किया। इधर कद्दू भात को लेकर बाजारों में कद्दू की कीमत भी आसमान छूने लगी, लेकिन पर्व में इसके महत्व को देखते हुए छठ व्रतियों ने इसकी खरीदारी की। बता दें कि भागलपुर और उत्तर भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले एवं सनातन परंपरा से जीवन जीने वाले लोगों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ का विशेष महत्व है, जिसमें शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। आदि मैया होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय, नेमुआ जे परे राघव दसे, ओ पर सुगामी राय, ओ पर सुगामी राय। भागलपुर के मुख्य बाजार समेत लोहा पट्टी, हड़िया पट्टी, वैरायटी चौक, बीकनपुर, त्रिमूर्ति चौक, तिलकामांझी चौक और मिर्जान हाट बाजार में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को नहाय खाय के साथ शुरू हुए छठ पर्व को लेकर बाजारों में अधिक भीड़ जुटी रही, जिससे खरीदारी करने बाजार आए छठ व्रतियों एवं लोगों को भीड़ से जूझना पड़ा। छठ महापर्व में बांस के सूप डलिया के अलावा नारियल, टावा नींबू, ईख, कच्ची हल्दी आदि और कई तरह के फल एवं कच्ची सब्जियां, मिठाइयां, मिट्टी के दिए, ढकनी समेत छठ पूजन के दौरान उपयोग में आने वाली पूजन सामग्रियों का विशेष महत्व है, जिसको लेकर हर ओर बाजार में दुकानों एवं फुटपाथों पर भीड़ जुटी रही। एक ओर जहां लोगों को भीड़ से जूझकर खरीदारी करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर छठ महापर्व की आस्था के बीच व्रतियों और लोगों का उत्साह भी देखता बन रहा है। आमतौर पर महंगाई की चर्चा होती रहती है, लेकिन छठ पर्व को लेकर लोग बढ़ चढ़कर पूजा से जुड़ी सामग्री का खरीदारी करते हैं, जिससे बाजार भी गुलजार नजर आता है। बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ में अक्सर जरूरतमंदों की कई लोगों और संस्थाओं के द्वारा आर्थिक
एवं पूजन से जुड़ी सामग्रियों की मदद भी दी जाती है, जिससे यह पर्व बिना किसी अभाव एवं व्यवधान के पूरा किया जा सके। वहीं बाजार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे खरीदारों से पटा रहा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर समेत प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बूढ़ानाथ से सबौर तक के विभिन्न छठ घाटों का नाव से निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गंगा घाटों की साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी जानकारी संबंधित पदाधिकारियों से ली और नगर आयुक्त को सभी छठ घाटों की सफाई व्यवस्था पूर्ण कराने समेत जरूरी तैयारी पूरी कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने एसएम कॉलेज घाट, बरारी सीढ़ी घाट, बरारी पुल घाट, आदमपुर मुसहरी घाट समेत अन्य कई छठ घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था में तेजी लाने की बात कही, जिससे पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में छठ को लेकर सफाई व्यवस्था कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छठ को लेकर सफाई व्यवस्था कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और इसे अविलंब पूरा कर लिया जाएगा। इधर सबौर अंतर्गत छठ घाट निरीक्षण के दौरान डीएम ने सबौर के छठ घाट पर जुटने वाले लोगों की भारी भीड़ देखते हुए वीडियो को जरूरी इंतजाम और तैयारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में सभी छठ घाटों पर छठ पर श्रद्धालु की सुविधा के लिए शनिवार तक सभी कार्य पूरा कर लेने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, सिटीएसपी अमित रंजन, मंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार और आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी समेत कई अधिकारी एवं कर्मी समेत सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग भी सब लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि जो पहले का पुल घाट हुआ करता था विक्रमशिला पुल के नीचे, तो एक तो वहाँ जो फोर लेन पुल का निर्माण होना है नए पुल का, उसके कारण से थोड़ा सा जो है वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया है। दूसरा, नदी का भी जलस्तर इस बार नीचे चला गया है, तो उस पोर्शन में जो है हम लोग अभी काम करवा रहे हैं, नगर निगम करवा रहा है काम, लेकिन हो सकता है कि वहाँ जो है लोगों को छठ करने में उतना बड़ा घाट जो है उस साइड में पूर्व साइड में अवेलेबल ना हो पाए। लेकिन जो इधर का पोर्शन है पश्चिम साइड का, इसमें आपका जो सीढ़ी घाट पुराना जो होता था और जो नया जो हम लोगों का रिवर फ्रंट जो स्मार्ट सिटी के तहत बन रहा है, उसके बनने के कारण पूरा कनेक्ट हो गया है बरारी पुल घाट और उधर का सीढ़ी घाट का पोर्शन, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर स्पेस भी मिला है और जिससे श्रद्धालुओं को जितने छठ व्रती हैं उनको जो है अपना पूजा करने में अर्घ देने में काफ़ी सुविधा होगी। जो श्रद्धालु आते हैं काफ़ी संख्या में उनको भी आने जाने में सुविधा होगी, तो इस पोर्शन पे हम लोगों का विशेष ध्यान है और हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से इसको प्रचारित प्रसारित भी कराने जा रहे हैं कि जो लोग बरारी घाट की तरफ छठ करने के लिए आ रहे हैं वो इस साइड में जिधर सीढ़ी घाट है उस तरफ उस साइड को प्रेफर करें, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है घाट भी है, सीढ़ियाँ भी बन रही हैं, तो लोगों को अर्घ देने में लोगों को बैठने में सुविधा होगी। नगर निगम की टीम लगी हुई है, चूँकि स्नान का कार्यक्रम भी जो है लगातार चल रहा है, पुराना ये घाट है, यहाँ काफ़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं, तो साफ़ सफाई की स्थिति को और बेहतर करने के लिए नगर आयुक्त को बोला गया है, वो खुद कैंप करेंगे और इस पूरे परिसर को जो ये पूरा क्षेत्र है इसको साफ़ सफाई आज भी और कल भी जो है इंश्योर कराएंगे, ताकि उनका निरीक्षण किया जा रहा है और घाट के आसपास जो रहने वाले आसपास जो पार्किंग स्थल है उसके बारे में भी अखबारों में दिया जा रहा है, और सभी पार्किंग स्थल पर घाटों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है, गोताखोरों की तैनाती की जा रही है, और जो घाट में जो खतरनाक जहाँ पर जलस्तर है वहाँ पर बैरिकेडिंग करके वहाँ पर झंडा भी लगाया जा रहा है, और हाँ उसकी SDRF की भी टीम यहाँ पर घाट पर मौजूद रहेगी और गोताखोरों की भी टीम रहेगी, ताकि किसी अगर प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे हम लोग निपटें और हम लोग अच्छे से इस पूरे पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें। भागलपुर में पहली बार 24 डकैती,
सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्ने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में लोहा पट्टी स्थित मुख्य बाजार और उसके आसपास कूड़े कचरे का अंबार लगा है, जिससे बाजार में छठ पर्व की खरीदारी करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी दुर्गंध से काफी परेशानी हो रही है। एक ओर जहां खरीदार और छठ व्रतियों को कूड़े से परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर वहां मौजूद दुकानदार और फुटकर विक्रेताओं को भी दुकानदारी में काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर दुकानदारों का कहना है कि लोक आस्था का पर्व छठ पर साफ सफाई का विशेष महत्व है और भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन छठ पर्व में भी बाजार में कई दिनों से कूड़ा का अंबार लगा है और इसकी सफाई नहीं कराई जा रही है। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन, भागलपुर नगर निगम की महापौर और स्थानीय पार्षद सभी मूक दर्शक बने हुए हैं और कूड़े कचरे के बीच छठ पर्व की खरीदारी करने को लोग विवश हैं। साथ ही लोगों ने छठ पर्व को लेकर जिला और नगर निगम प्रशासन से अविलंब बाजार समेत तमाम जगहों से कूड़ों की सफाई कराने की मांग की, जिससे स्वच्छता के साथ उन सभी का व्यवसाय भी निर्बाध रूप से चलता रहे। बता दें कि एक और जहां कूड़ा कचरा परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं भारी भीड़ के बीच आवारा पशु के आवागमन से भी लोगों में परेशानी एवं अनहोनी की आशंका सताती रहती है, लेकिन भागलपुर नगर निगम प्रशासन के पास इन परेशानियों के लिए कोई समाधान नहीं है। बीमारी ना होगा हम लोग को, कोई उपाय नहीं है, रोटी पे हम लोग का उपाय है, बाल बच्चा भी कमाने वाला ना। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सफाई चाहते हैं, रुपया कमावे, सफाई मार क्या चाहते हैं भैया? हम लोग गरीब आदमी किसी मार झगड़ा थोड़ा कर सकेंगे। पूरी स्मार्ट सिटी है और यहाँ का स्थिति देखिए कैसा है। यहाँ पे नाक देने का मन नहीं करता है, इतना महकता है क्या, इतना कचरा हो गया है कहने का बात नहीं है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है, यहाँ पे कोई किसी का मैं अपना है, जिसको जैसे बैठना है जहाँ बैठना है बैठिए, यहाँ पे ऐसा होता है। इतना कचरा फैला हुआ है कि आदमी बीमार पड़ जाएगा 10 मिनट में।